नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां जाम की समस्या दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों के लिए जाम नासूर बन गया है। सड़कों पर लगे अतिक्रमण और डगामार वाहन जाम का कारण बनते हैं। ऐसा ही मामला आज देखने को मिला, जहां जाम में फंसी प्रसूता दर्द से कराती रही। किसी तरह जाम में फंसी एम्बुलेंस को अलीगंज स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया। तत्पश्चात पहुंचते ही महिला ने बच्चे को अस्पताल परिसर में जन्म दिया। अलीगंज कोतवाली के डेरा बंजारन निवासी रईसा बेगम पत्नी साबर हुसैन बच्चे को जन्म देने के लिए दर्द से कर्रा रही थी। अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य में केंद्र में भर्ती कराने के लिए उनके पति साबर हुसैन ने करीब 12 बजे एम्बुलेंस को 102 नंबर पर कॉल करके अपने यहां बुलाया। प्रसूता को एम्बुलेंस में डालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रही थी, तभी अलीगंज माता दिन चौराहे पर अत्यधिक जाम मिल गया और एम्बुलेंस जाम में फंसी रह गई। करीब आधा घंटा जाम में फंसे रहने के बाद किसी प्रकार एम्बुलेंस को जाम से निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते ही प्रसूता ने बच्चे को अस्पताल परिसर में ही जन्म दे दिया, जहां डॉक्टर ने नर्स के द्वारा प्रसूता महिला को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराकर उसका सुचारू रूप से इलाज किया। डॉक्टर अखिलाख ने बताया कि माँ और बच्चे दोनों ही सकुशल है। मतलब है कि अलीगंज डेरा बंजारे में एक प्रसूता का प्रसव होना था, उसने 108 पर कॉल की और 108 गाड़ी 102 गाड़ी उसको लेने गई, और जब वो लेकर आई तो अलीगंज माता दीन चौराहे पर जाम लगा होने के कारण प्रसूता अस्पताल में नहीं आ पाई और उसका जो है अस्पताली परिसर में 102 गाड़ी में प्रसव हो गया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। आपको बताते चले कि गांधी चौराहा, सराय अड्डा, डाक बंगला पर सड़कों के किनारे लगे अतिक्रमण और डगामार वाहन के कारण अत्याधिक जाम लगता रहता है, जिसके कारण लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विकास और इस वक्त अलीगंज के जो है डेरा बंजारा मोहल्ले में आया हूं। आपको बता दें, कल एक जो है प्रसव के दौरान एक महिला को जो है अस्पताल परिसर में जो है उसके बच्चे का जन्म हुआ था, जिसमें जो है लोगों ने कुछ आरोप भी लगाया हुआ था कि जो है प्रसव के दौरान डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे या कुछ कई तरह के आरोप लगाए हुए थे। मेरे साथ जो है वो महिला उपस्थित हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, क्या पूरी जानकारी थी। मैडम, क्या नाम है आपका? रईसा जी, कल आप जो है 102 के माध्यम से जो है आप अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए थे, क्या पूरी जानकारी है? जाम लग गया था यहाँ से लेके गए थे। कहाँ जाम लग गया था? माता दीन चौराहे पे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जैसे एम्बुलेंस में लेके गए थे। हाँ, एम्बुलेंस रुकी, हमारे साथ में गई नहीं। जी जी, हमारी चाची थी, एक भाभी थी जी, वो क्या नाम उतारा हमने, मुझे लड़का पैदा हो गया हमारे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10 मिनट बाद आई, जब उनको आपने सूचना की होगी, वो बुलाने के लिए गई नहीं। हाँ हाँ, उसके 10 मिनट बाद आई। 10 मिनट बाद डॉक्टर्स आ गए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो मैला कह रही हम लड़के को छूएंगे नहीं। कौन कह रहा था जो आपके साथ गए थे? डॉक्टर्स ना, डॉक्टर नहीं ले रही थी, फिर हम ही ने उठा के लड़का वो उस पर ब्रंच पे डाला, ब्रंच पे लेके गए थे वो सब। फिर इलाज वगैरह आपका हुआ? इंजेक्शन लगे, हमारे लगे, लड़के के लगे। तो ये है जो है डेरा बंजारा से। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।